नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। डेटा हाउस टेक्नोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप गारमेंट व्यापारी हैं तो मेरे पास सभी तरह के आपके लिए सोल्यूशन है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा, अगर आपका रिटेल गारमेंट का है तो आप वो ज़रूर देखिए। उसमें आपको बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा कैसे बिजनेस को मेंटेन करना है, कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। तो आज के इस क्रम में मैं उन होलसेल व्यापारियों के बारे में बात कर रहा हूँ जिनका कपड़े का होलसेल का बिजनेस है, चाहे वो सलवार सूट हो, चाहे वो जीन्स हो, या टी शर्ट हो, या रेडीमेड गारमेंट हो, या कि आपका कहा जाए कि जैसे कुछ टी शर्ट वगैरह, लोअर वगैरह, बरमुंडा, इस टाइप का कुछ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या कि फिर ट्रेडिंग बिजनेस है। तो यह सॉफ्टवेयर दोनों तरीके से काम करेगा। इसमें आपको मैं एजेंट वाइज भी बताऊंगा कि कैसे मैनेज करना है, कि जो एजेंट आपका माल बेचते हैं उनका क्या सिस्टम रहता है, परचेस कैसे चढ़ेगी, सेल कैसे होगी, चेक प्रिंट कैसे कर सकते हो अपना, जो जैसे पेमेंट करते हो तो उनके चेक प्रिंटिंग का भी ऑप्शन है। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपको बारकोड अपने आइटम में लगाना है तो वो बारकोड कैसे प्रिंट करना है, और आपका जो स्टॉक है अगर उसको मेंटेन करना है तो वो कैसे होगा, आपके यहाँ के जो लड़के हैं उनको सैलरी देना है तो उसकी एंट्री कैसे होगी, आपको जो भी बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनका कैसे मैनेजमेंट रखना है, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो कृपया इसको पूरा देखिए, जिसमें आपको आपके बिजनेस के रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप इसमें बहुत सारी चीज़ें वो चीज़ जान सकते हैं जो आप बिजनेस में अभी तक फेस कर रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स का सलूशन है इस वीडियो में। मेरा मोर देन 10 ईयर से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारी जगह सॉफ्टवेयर दिए हैं और मेरे सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स थी वो मैंने अपने इस सॉफ्टवेयर से दूर की हैं, और वही एक एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप नए व्यापारी हैं या पुराने व्यापारी हैं तो आप सालों साल से उन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होंगे, तो उन प्रॉब्लम का सलूशन है। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको ज़रूर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड सलूशन मिलेगा। अगर आप फिर भी आपको कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम जा रही है या कि कुछ टेक्निकल सपोर्ट चाहिए या कुछ सलूशन चाहिए, आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए, हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, हमें कॉल भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो और पूरा इसको कंप्लीट सीखते हैं कि एक होलसेल बिजनेस को कैसे मैनेज किया जाए। तो सबसे पहले मैंने अपने सिस्टम की स्क्रीन पे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके रखा है। अगर आप यह सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप उसमें क्लिक करके सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम आती है हमें फ़ोन कर सकते हैं, हम आपको पूरी मदद करेंगे। अब इसमें हमने डबल क्लिक किया, ओपन कर लिया। जी हाँ, एक चीज़ मैं और ज़रूर कहना चाहूँगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं लेके आता हूँ आपके बिजनेस की, आपके मतलब की बातें बिना कोई बकवास किए हुए। तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अब हमने यहाँ पे देखिए कंपनी बना के रखी हुई है, आप नहीं है, आपने नया इंस्टॉलेशन किया तो क्रिएट न्यू करके कंपनी बना सकते हैं। डेटा पूरी तरीके से सिक्योर रहता है, बैकअप ऑटोमेटिक लेता है, यूजर वाइज राइट प्रोटेक्शन है कि किसको क्या देना है। अगर यह आप इसका पुराना वर्जन चला रहे हैं जैसे स्पीड प्लस 8 या कि कोई और वर्जन चला रहे हैं तो आप हमसे कॉल करके सॉफ्टवेयर को अपग्रेड भी करवा सकते हैं, अपडेट करा सकते हैं। हमने यहाँ पे डेटा हाउस गारमेंट के नाम से लॉगिन किया। अब यहाँ देखिए, बिना सिक्योरिटी के आपको अंदर नहीं जाने देगा, तो आपको यूजर नेम पासवर्ड बन गए होंगे तो हम यहाँ पे डाल देंगे। कैसे कंपनी क्रिएट करना है, कैसे यूजर बनाना है, हमारे आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिया तो ये हमारा बेसिक स्क्रीन जो डैशबोर्ड की स्क्रीन है वो आ गई। इस सॉफ्टवेयर में हम आपको पूरा सेल, परचेज, आइटम क्रिएशन, आइटम का बारकोड बनाना, आइटम्स का रेट सेट करना, आर्टिकल नंबर डालना, बिल का प्रिंटिंग करना, बिल में कैसे उसका कस्टमाइजेशन करना, साथ में आपका पूरा जो बिजनेस है जैसे बैंक एंट्री, पेमेंट एंट्री, चेक एंट्री, वाउचर एंट्री, वो सारी चीज़ें हम करके देखेंगे। साथ ही साथ बैलेंस शीट, जीएसटी रिपोर्ट, GSTR 1, ये भी सारी चीज़ें सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं मास्टर में जाता हूँ, मास्टर में मैंने आइटम में जाना है।
आइटम में मैंने देखिए कुछ नाम बना रखे हैं, आपका जिस चीज़ का बिजनेस है आप वो नाम बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने देखिए जीन्स लिखा हुआ है, शब्द लिखा जीन्स, यहाँ पे उसका टैक्स परसेंटेज दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि मैं हर बार नए आइटम के लिए जीन्स तो बनाता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा होलसेल का बिजनेस है और मैं पार्टी के हिसाब से उसके रेट लगाता रहता हूँ इसमें, इसलिए मैंने एक जीन्स सिर्फ नाम बनाया और यहाँ पे उसका टैक्स परसेंटेज दे दिया, HSN नंबर डाल दिया हमने। यहाँ पे GST परसेंटेज सेलेक्ट करना है, जैसे आपके गारमेंट में एक नियम है GST का कि 1000 से नीचे है तो 5%, 1000 से ऊपर है तो 12%, तो आपको दो प्रोडक्ट बनाने होंगे, 5% का अलग 12% का अलग, जिससे क्या होगा प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट हो पाएगा आपका, ठीक है। अपडेट कर देना है इसको। अगर आप साइज़ वाइज मेंटेन करना चाहते हैं तो यहाँ मेंटेन साइज में टिक लगा सकते हैं, अगर नहीं करना तो नहीं लगाइए। बाकी अगर रेट वगैरह डालना हो, प्री डिफाइंड सेव करना हो कि पहले से हमारे पास क्या क्या रेट का माल है, स्टॉक कितना है, तो वो सारा कुछ कर सकते हैं। बट ज़्यादातर व्यापारी जो हैं वो यहाँ पे स्टॉक वाइज एंट्री ना करके, आइटम वाइज एंट्री ना करके एक बल्क में एंट्री करते हैं। जैसे जीन्स 10 पीस लेके गया कोई 700 के रेट से, फिर जीन्स 500 5 पीस 600 के रेट से, इस तरह से वो बिलिंग करते हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इसलिए मैं आपको इस तरह से इसका वीडियो दिखा रहा हूँ, प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ। आप उसको अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। अब हमने सारे आइटम बना लेना है। यहाँ पे अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे MRP मैंने डाल देता तो क्या होता कि देखिए यहाँ पे 600 रुपये, जैसे 700 रुपये मैंने इसका सेल रेट डाल दिया और मान लीजिए 900 रुपये इसके MRP डाल दी, सॉरी इसके 12% है तो मैं इसका 1200 रुपये डाल देता हूँ और इसका जो सेल रेट है 1100 रुपये डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये आइटम डाल दिया है और उसको अपडेट कर देता हूँ। अगर मुझे इसका बारकोड निकालना है तो देखिए बहुत आसान है, यहाँ पे जाना है, सिंपल आइटम में टिक कर देना है, जनरेट बारकोड लेवल में क्लिक करना है, एज पर ओपनिंग स्टॉक मेन यूनिट सेलेक्ट करना है, ओके कर देना है। यहाँ पे आ गई आइटम लिस्ट, यहाँ पे टिक करना है कि किस आइटम का बारकोड निकालना है, कितने पीस के बारकोड निकालना है। मान लीजिए आपके पास 600 पीस है, 50 पीस है, 10 पीस है, जितने भी हों आप यहाँ पे सिंपल डाल दीजिए और इसको करिए ओके। ओके सॉरी, यहाँ पे प्रिंट में क्लिक करना है, यहाँ पे 10 डालने के बाद आपको यहाँ पे प्रिंट में क्लिक कर देना है, ओके करेंगे। ओके करते ही आपका बारकोड जनरेट हो जाएगा। आप यहाँ से अगर आइटम लिस्ट बहुत ज़्यादा है तो यहाँ से सर्च वगैरह भी कर सकते हैं। ये मैंने टिक करना है और यहाँ पे प्रिंट में क्लिक कर देना है, ओके कर देना है। यहाँ पे टिक जरूर करना है जनरेट करने के लिए, तभी तो वो पता कर पाता है कि किस आइटम का मुझे बारकोड निकालना है, किसका नहीं निकालना है। ये देखिए आपके 10 बारकोड आसानी से बन गए हैं। इनको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, PDF में भी कर सकते हैं, और बारकोड प्रिंटर अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप बारकोड प्रिंटर भी लगा सकते हैं। ये लेजर प्रिंटर और बारकोड प्रिंटर दोनों में बारकोड निकल सकते हैं सॉफ्टवेयर से, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, प्रॉपरली इसमें कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें जो डिज़ाइन आप चाहें कि यहाँ पे नाम चेंज करना है या MRP की जगह सेल रेट रखना है कि कोई कोड रखना है या कि साइज रखना है नहीं रखना, जैसा आप चाहो हम आपके हिसाब से कस्टमाइज कर देंगे। और आइटम लिस्ट अगर ज़्यादा है यहाँ पे देखिए आप सिंपल जीन्स लिखोगे, ओके करोगे तो सिर्फ जे नाम से जो जो आइटम होंगे वही आएंगे। इसी तरह बारकोड, रेंज, सेल प्राइस, MRP किसी भी चीज़ से आप सर्च कर सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने आइटम सीख लिया, आइटम बनाना सीख लिया, बारकोड सीख लिया, अब हम सीखते हैं कि हम इसकी परचेज कैसे लेंगे। परचेज दोस्तों दो तरह से ली जा सकती है, एक तो होता है कि आइटम वाइज लेना, बट ज़्यादातर होलसेल व्यापारी क्या करते हैं कि आइटम वाइज परचेज नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि उनके पास आइटम कुछ आता है, फिर उसको कस्टमाइज करते हैं, सिलते हैं, स्टिचिंग करते हैं और आइटम कुछ दूसरा बन जाता है, तो वो बिल वाइज एंट्री करते हैं। तो हम बिल वाइज पहले देखते हैं। तो एंट्री में जाएंगे, यहाँ पे टैक्स वाउचर का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे न्यू में जाना है और यहाँ पे इंटर करेंगे, जो भी जहाँ से भी माल आता है वहाँ पर परचेज सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आएगी आपकी बिल की डेट कि जिस दिन का माल आया आपका, है ना। यहाँ पे कैश में आया तो कैश सेलेक्ट करना, क्रेडिट में आया क्रेडिट सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे। यहाँ पे आपको पार्टी सेलेक्ट करना है, बना लेना है पार्टी, प्लस करके पार्टी बना लेना है। मान लीजिए मेरा आया राजेश ट्रेडर से, तो मैंने यहाँ पे राजेश ट्रेडर्स का नाम डाल दिया, ऐड कर दिया, उनका GST नंबर वगैरह सब कुछ भर दूंगा मैं। यहाँ पे मान लीजिए दिल्ली से माल आया तो मैंने दिल्ली का कोड डाल दिया और उनका जो भी GST नंबर वो डाल दिया। देखिए मैंने गलत डाला तो ऑटोमेटिक रेड हो गया, आपको सही डालना है। मैं सिर्फ एक डेमो दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको सही प्रॉपर एंट्री करनी है, आपको गलत नहीं एंट्री करनी है। और यहाँ पे देखिए हमने
पूरा उनका सारा कुछ डिटेल ऐड कर दिया, हम कुछ मोबाइल नंबर भी अगर डालना चाहें, ये सब ऑप्शनल फील्ड है, आप डालना चाहते हैं डालिए, नहीं डालना चाहते हैं छोड़ सकते हैं, बट मेरा सजेशन ये है कि आप प्रॉपर डेटा बनाएंगे तो आपको आगे भी इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। यहाँ पे बिल नंबर डाल देना है, एंटर करेंगे। अब देखिए 5% में मान लीजिए माल आया आपके पास कितने का, 10,000 रुपये का, तो आपने 10,000 डाल दिया, ठीक है। आपके पास 12% का माल कितना आया, आपके पास आए 6,000 रुपये का, तो आपने 6,000 रुपये डाल दिए, तो ये ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेशन ले लेगा। और यहाँ पे अगर आपका भाड़ा वगैरह लगा है तो भाड़ा भी जोड़ सकते हैं, अगर आपका नहीं लगा है डिस्काउंट दिया है कुछ ऐसा कुछ है तो वो डाल देना है और सिंपल इसको सेव कर देना है। अगर यहाँ पे GR नंबर यानी कि बिल्टी नंबर वगैरह कुछ आती है तो वो डाल देना है, कौन से ट्रांसपोर्ट से आया वो डाल देना है, मान लीजिए आपका MLM से आया तो आपने MLM डाल दिया, ठीक है। इसी प्रकार से आपको और भी कोई चीज़ें आती हैं, व्हीकल है, नरेशन है, नेट प्राइस पे माल आया नेट रेट लिख दीजिए, और अगर कुछ 2% 5% में आया तो 2% लिख दीजिए कि 2% CD मिलेगी इसमें, CD यानी कि कई बार होती है ना पार्टी बोलती है कि भई आपने जो अभी 15 दिन के पहले करोगे 2% काट के भेजना, 15 दिन के बाद पेमेंट करोगे तो पूरा भेजना, ऐसा कुछ रहता है ना, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर मैंसन कर सकते हैं, सेव कर देना है। आपने सेव करते ही आपकी पर्चेज चढ़ जाएगी, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे आपके जो परचेज रिपोर्ट देखना है या GST रिपोर्ट्स देखते हो तो ऑटोमेटिक आपकी GST में ये चला जाता है और आपको प्रॉपर सारी चीज़ें जो है वो मिलने लगती हैं, आपको कहीं से कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई ना, आपकी GSTR2 जो इनपुट टैक्स का बनता है वो सब चीज़ें बन गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे किस चीज़ के लिए कि आगे आपका कैसा क्या सिस्टम होगा आपका सेल का, ठीक है। तो सेल में ज़्यादातर दोस्तों आप लोग एजेंट और डायरेक्ट सेल दो तरह से करते हो। एजेंट का मतलब होता है कि हमने किसी बंदे को किसी कंपनी को या किसी फर्म को हायर किया कि तुम भाई माल बेचो, हम तुम्हें 2% कमीशन देंगे, है ना। जैसे वो 1,00,000 का आपसे माल लेके गया तो आपने उसको एक कस्टमर को 1,00,000 का बिल बनाया और 2% उसको एजेंट को दे दिया, या कि एजेंट ने आपसे लिया या कि डायरेक्ट कस्टमर से लिया, जो भी आपका सिस्टम होगा वो वैसा मैनेज कर सकते हो। तो हम उसकी एंट्री करके देखते हैं कि वो कैसे एंट्री होगी। हम जाना है सेल में, न्यू में जाना है, न्यू में जाने के बाद आपको एंटर करना है, एंटर करने के बाद आपने यहाँ पे देखिए डेट आ जाती है, डेट जिस डेट का आप चाहोगे वो हो जाएगा, आप डेट वाइज बिलिंग कर सकते हो, कैश में माल बेच रहे हो या क्रेडिट पे वो सेलेक्ट कर लेना है, एंटर करना है। देखिए आपके यहाँ पे पूरे कस्टमर के नाम ऐसे दिखने लगेंगे, तो उनका नाम क्या है, बैलेंस कितना है, लेजर बैलेंस कितना है। आपको अगर यहाँ पे नया नाम बनाना है तो आप नया नाम बना सकते हो, प्लस के निशान में क्लिक करना है, मान लीजिए आपने नाम बनाया ओम ट्रेडर्स, यहाँ पे ओम ट्रेडर्स लिख लिया आपने, यहाँ पे उसका ओपनिंग बैलेंस पहले से वो डाल सकते हैं, उसका GST नंबर है वो डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे ले लेना है GST नंबर, मान लीजिए 27 ले लिया मैंने, मैं IGST बिल बना रहा हूँ। यहाँ पे सिटी डाल दी मैंने नागपुर, और यहाँ पे पिन कोड वगैरह है तो वो डाल देना है, और महाराष्ट्र स्टेट 27, ये सब सारी चीज़ें आपको भर देंगे तो प्रॉपर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, सब चीज़ों के ऑप्शन लगे हैं, प्रिंटिंग प्रॉपर कस्टमाइज है, आप जैसा चाहें वैसा बन जाता है। आपने ये पर नाम सेव कर लिया, इंटर करेंगे, देखिए बिल नंबर 1 था, ऑटोमेटिक बिल नंबर 2 आ गई, आप जो सीरीज बनाना चाहें बना सकते हैं, इंटर करना है। अब देखिए यहाँ पे आपके आइटम्स आने लगे कि कौन सा आइटम बेचना है कौन सा नहीं बेचना है, मान लीजिए जीन्स बेच रहे हो 12% वाला है, उसका कितना है आर्टिकल नंबर अगर डालना है तो डाल सकते हो, भाई मुझे 6676 आर्टिकल नंबर डालना है, और यहाँ पे क्वांटिटी डाल दिया मैंने जैसे 10, यहाँ पे इंटर कर दिया, ठीक है। फिर मैंने दिया प्लेन शर्ट, ठीक है, इसमें आर्टिकल नंबर नहीं आता है तो इसमें नहीं डाला मैंने, 80 पीस दे दिया, ये दे दिया 200 रुपए के रेट से, 299 के रेट से, ठीक है। फिर ये ले लिया मैंने शर्ट, यहाँ पे ले लिया 70 पीस, तो इस तरह से आपकी बिलिंग होती है, ठीक है।
आपका यहाँ पे सलवार सूट भी, तो जो आइटम है आपके आर्टिकल नंबर भी है, यहाँ डालते जाइए और बेचते जाइए, सिंपल है। अगर आप आर्टिकल नंबर का कॉलम पहले से चाहते हैं तो वहाँ पे वो भी हो सकता है कि सेव रहा है, बट ज़्यादातर लोग ना आर्टिकल नंबर डिजाइन माल बनाया, डिजाइन बनाई उसकी और बेच दिया, ठीक है, उसको सेव करके नहीं रखना चाहते हैं कि हमारे पास वो रहा है। अगर आप ऐसा चाहते हो तो वो भी फैसिलिटी है इस सॉफ्टवेयर में, ऐसा मत समझिए कि उसका ऑप्शन नहीं है, वो भी किया जा सकता है इस पर। देखिए मैंने ये पूरी एंट्री कर ली है, अब मैं आता हूँ इसमें चार्जेस के ऑप्शन पे। अगर मुझे कुछ डिस्काउंट देना तो डिस्काउंट दे दूंगा, नहीं देना तो यहाँ पे सीधे ट्रांसपोर्ट डिटेल डालनी है मुझे, जैसे मैंने डाल दिया MLM। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा M लिखा, ऑटोमेटिक आपने पहले जो ट्रांसपोर्ट नेम बनाए हैं वो ऑटोमेटिक आ गए। GR नंबर जो है वो डाल दिया, आपका व्हीकल नंबर है वो डाल देंगे, देखिए ऑटोमेटिक व्हीकल नंबर भी आ गई। अगर आपके पास है तो डाल दो, नहीं है तो नहीं डालो। N डाला तो नागपुर आ गया, यहाँ पे जैसे ही RH एजेंसी का नाम डाला तो वो आ गया। एजेंसी यानी कि वही एजेंट की बात कर रहा हूँ मैं, उसको मैं रिमार्क में मेंशन कर रहा हूँ। यहाँ पे हम सेव कर लेंगे और सेव करते ही आपका बिल जनरेट हो जाएगा। बिल का फॉर्मेट बहुत ही शानदार है दोस्तों, मतलब आप ये समझिए कि एक बिल प्रिंट में ही आपकी चीज़ें सारी मेंटेन हो जाएगी। अभी ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है मार्केट में जो बहुत अच्छे लेवल पर इसमें प्रिंट डिजाइन दे सके, आप इसमें कस्टमाइज कर सकते हो। ये ही एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप जैसा चाहो वैसा हो जाएगा, मतलब हर एक चीज़ इवन कलर आइटम फॉन्ट सब कुछ आपके हिसाब से। देखिए ये बनके आपका बिल जनरेट हो गया है, इसमें आपको जो कस्टमाइज भी करना है, देखिए यहाँ पे कलर वगैरह भी चेंज करना चाहते हो बिल वगैरह तो वो सब चेंज कर सकते हो। देखिए ऑटोमेटिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल नंबर स्टेशन सब कुछ आ गया है, आपका पार्टी का नाम आ गया है यहाँ पे, और डिटेल आ गई, GSTN कॉलम आ गया, नेट परसेंट टैक्स आइटम वाइज HSN वाइज टैक्स डिटेल आ गई पूरी, SGST CGST आ गया, IGST लगा तो देखिए IGST है, ठीक है, बैंक डिटेल होगी आपकी तो बैंक डिटेल आ जाएगी, और यहाँ पे ये टोटल नीचे सारा कुछ आपका टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ आ गई है। अब इसी को PDF में भी करना है तो यहाँ से PDF में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, बिल मेल करना है व्हाट्सअप करना है व्हाट्सअप भी कर सकते हो यहाँ से, जैसे मैं डालता हूँ 7999663696 ये मेरा नंबर है, मैंने यहाँ पे डाला ओके किया तो ऑटोमेटिक ये व्हाट्सअप चला जाएगा। तो यहाँ से सारी चीज़ें आपकी मेंटेन हो जानी है, यहीं से बिल ईमेल भी कर सकते हो, SMS भी कर सकते हो, व्हाट्सअप भी कर सकते हो, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका व्हाट्सअप जनरेट हो चुका है। अब हम आते हैं अगले स्टेप पे, अब सीखते हैं कि हम इसका रिपोर्ट्स जैसे हैं हमें एजेंट वाइज रिपोर्ट चाहिए तो वो कैसे मिलेंगी। तो हम देखिए बिल्स में जाते हैं, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे रिमार्क सेलेक्ट करोगे, नरेशन सेलेक्ट करोगे अपना और एजेंट का नाम डालोगे, ओके करोगे तो आपको सारी रिपोर्ट ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी, उसने टोटल कितना सेल किया। अगर इसको आपको प्रिंट भी करना है आपको एजेंट को देना तो प्रिंट लिस्ट में जाइए, यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक आपकी PDF में फाइल भी बन के आ जाएगी, जो कि आप अपने एजेंट को मेल भी कर सकते हो और यहाँ से आपका पूरा जनरेट हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इनकी रिसीप्ट और पेमेंट एंट्री कैसे करना है। तो रिसीप्ट में यहाँ पे देखिए रिसीप्ट का ऑप्शन है, रिसीप्ट में जाना है, इंटर करना है, इंटर करने के बाद आपके अगर पास कैश आ रहा है तो कैश सेलेक्ट करेंगे, बैंक से आ रहा है तो SBI बैंक सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे, यहाँ पे जो भी पार्टी का नाम है वो सेलेक्ट करना है, आपने पेमेंट जो भी चेक नंबर मिला तो वो डाल दीजिए, चेक की डेट डाल दीजिए, बैंक का नाम डाल दीजिए और अमाउंट डाल दीजिए। आपको मान लीजिए मिला 700 रुपये डाल दिया, रिमार्क में लिखना है कुछ, रिमार्क में लिख सकते हैं, है ना, मैंने रिमार्क में लिख दिया बाई हैंड, कुछ भी लिखना है आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, और यहाँ पे आप टिक करोगे। मान लीजिए आपको इसको प्रिंट करना है, यहाँ पे हम टिक करेंगे, यहाँ पे प्रिंट में क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए प्रीव्यू में जाते हैं, आपका पूरा जो वाउचर है जो रिसीव्ड की स्लिप है वो जनरेट हो गई है। आप इसको प्रिंट निकाल के कस्टमर को दे सकते हो, कस्टमर का साइन भी कर सकते हो, अपने साइन और सील लगा सकते हो। देखिए इसमें प्रॉपर चेक नंबर, चेक डेट, आपका रुपीज़, आपका टोटल अमाउंट, आपका पार्टी नेम, पार्टी डिटेल, सारी चीज़ें आपकी आ जानी है। आपको कहीं से कुछ और करना नहीं, यहीं से व्हाट्सअप और ईमेल भी उसको कर सकते हैं अपन। और इसके बाद अब आते हैं हम अपने आउटस्टैंडिंग में, आउटस्टैंडिंग में क्लिक करेंगे
ओके करेंगे। देखिए एक साथ आपकी सारे लोगों वो दिखा दिया, सेलेक्ट ऑल प्रिंट कर सकते हैं। इसको भी हम इसी तरह से प्रिंट करके अपना कॉलिंग कर सकते हैं कि सर आप कितनी पेमेंट बची है, आप हमें प्लीज़ पे करिए। यहाँ से उनको SMS, WhatsApp और ईमेल भी किया जा सकता है कि ओम ट्रेडर्स का इतना बचा है, सुमन गारमेंट का इतना पेमेंट बचा हुआ है। अगर यहीं से उनका लेजर देखना है तो यहाँ पर डबल क्लिक करिए और यहीं से आप उनका लेजर भी प्रिंट कर सकते हो। बहुत आसान सॉफ्टवेयर है। सबसे अच्छी बात इस सॉफ्टवेयर की है कि आपको ट्रेनिंग के लिए ना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि आपको करना है। देखिए पूरा लेजर अपने आप आ गया कि इतनी की टोटल पेमेंट थी, इतना रिसीव हो चुका है, इतना बैलेंस बचा हुआ है। डेबिट क्रेडिट का चक्कर नहीं है कि सीखना है कि भैया हमें डेबिट कौन हुआ, क्रेडिट कौन होगा। बहुत सारे सॉफ्टवेयर में आपको ये प्रॉब्लम जाती है, डेबिट क्रेडिट के चक्कर में फंसे रहते हो आप कि किसको डेबिट करूँ किसको क्रेडिट करूँ। अगली बात है इसमें पेमेंट की। पेमेंट में अपन आते हैं, न्यू में क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमने एंटर किया। मान लीजिए हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो आपने डाला यहाँ पे राजेश ट्रेडर्स से। देखिए अभी बाकी है इनका 17,220 रुपये। हमने यहाँ पे अपना चेक नंबर वगैरह एंट्री डाल देना है कि हमने कौन सा चेक दिया, डेट डाल देनी है, बैंक डाल देना है SBI और इंटर करेंगे। हमने मान लीजिए इनको दिया 1,000 रुपये, तो हमने यहाँ 1,000 डालना है, इंटर करना है, रिमार्क कुछ लिखना है, रिमार्क लिख सकते हैं कि फॉर एडवांस। तो आप यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं, सेव कर देंगे, ओके करेंगे और यहाँ पे हम टिक करेंगे उसको और यहाँ पे प्रिंट करेंगे। अब हम यहाँ पे देखिए दोनों ऑप्शन मिलते हैं, आप चेक भी इसका प्रिंट कर सकते हो कि चेक प्रिंट करके हम उसका क्या करें, अपना साइन करके हम उसको दे दें। मतलब हमें चेक बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक यहाँ देखिए डेट आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगा, अकाउंट पे ओनली आ जाएगा और पार्टी का नाम आ जाएगा। और हमें इसका अगर वाउचर प्रिंट करना है कि वाउचर चेक और वाउचर दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। वाउचर मतलब कि भाई आपने किस चीज़ का पेमेंट किया, किसको किया, उसकी डिटेल क्या है, तो वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे लगा सकते हो जो आपका अकाउंटिंग वाउचर है कि भाई हमने 1,000 रुपये पे किया, ये चेक नंबर है, फॉर एडवांस दिया है, इसमें कस्टमर का जो डिटेल है उसका साइन करके रख सकते हो कि हमने इस तारीख को ये पेमेंट की थी। मतलब आपकी फाइलिंग का काम भी जो है ना वो भी पूरी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। कभी भी कोई भी डेट मॉडिफाई भी कर सकते हो, फ्रीज भी कर सकते हो डेटा को। अब हमने सीखा, हमने क्या क्या सीख चुके हैं अभी, आइटम हमने क्रिएट करना सीखा, हमने बिल बनाना सीखा, हमने बारकोड निकालना सीखा, हमने पर्चेज चढ़ानी, पेमेंट करनी, रिसीप्ट करनी और अब हम देखते हैं रिपोर्ट्स के बारे में कि रिपोर्ट्स क्या क्या हैं। तो रिपोर्ट्स में अपन जाते हैं टी लेजर में जाते हैं। यहाँ पे आपको जैसे ही आप पार्टी का नाम डालोगे, इंटर करके ओके करोगे तो देखिए बड़े अच्छे तरीके से आ जाता है कि लेफ्ट साइड में जितनी आपने टोटल सेल की है या दिया है, पेमेंट दिया है, और लेफ्ट राइट साइड में कितना आपको आया है और टोटल उसका बैलेंस। इसी प्रकार से हम दूसरी पार्टी का देखते हैं, राजेश ट्रेडर्स का देखा हमने, तो कितना आपको आपने दिया है और कितना उसका आना है। मतलब टोटल डेबिट क्रेडिट दोनों सामने दिखा देता है, इतना माइनस में दिखा रहा है मतलब आपको देना है। मतलब आसान है, बहुत अच्छे लेवल पे कोई भी इसको सीख सकता है। फिर अगली रिपोर्ट के ऊपर चलते हैं, अकाउंट स्टेटमेंट निकाल सकते हैं हम यहाँ से, राजेश का सेलेक्ट करके ओके करेंगे और इसका यहाँ पे आपको अकाउंट स्टेटमेंट निकाल आएगा, टोटल क्या है, लेजर जैसा ही होता है ये भी, ठीक है। और फिर उसके अलावा हमें जो GST की रिपोर्ट्स होती हैं, क्विक पेमेंट, क्विक रजिस्टर, इन सब में क्लिक करके आप देख सकते हो, ऑटो कलेक्शन रिपोर्ट, सेल रिपोर्ट, परचेज रिपोर्ट, स्टॉक रिपोर्ट, कुछ अगर कस्टमाइज रिपोर्ट बनाना है तो उसका भी बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है इसमें कि मान लीजिए आप सेल रजिस्टर देख रहे हो, आपको एक यहाँ पे हमें एक रिपोर्ट ऐसी चाहिए जिसमें आइटम का पार्टी नेम, आइटम नेम और उसका क्वांटिटी आए, हमें बाकी की कॉलम नहीं चाहिए। तो सिंपल आपको डिजाइन में जाना है, जो कॉलम आपको लेना है उसको सेलेक्ट करिए, ठीक है, और सेव कर दीजिए। यहाँ पे डिजाइन का नाम लिख दीजिए, जो भी डिजाइन लिखना है, और इसको सेव कर दीजिए। जैसे ही सेव करके एक बार सॉफ्टवेयर बंद करके चालू करेंगे आपको यहाँ पे आपकी रिपोर्ट मिल जाएगी। आपको मान लीजिए स्टॉक रिपोर्ट देखना है, आपने क्लिक करना है, ओके करना है, तो मतलब आपके हिसाब से सारी रिपोर्ट सेट हो जाती है इसमें। इसमें ये दिक्कत नहीं है कि हमें ऐसे ही रिपोर्ट मिलेगी क्या हमारी रिपोर्ट बनाने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा। मतलब अब बोलते जाओ हम करते जाते हैं। अब अगली बात पे आते हैं, तो हमारा GST रिपोर्ट बहुत अच्छा टॉपिक है दोस्तों। GST रिटर्न्स में जाते हैं, GST 3B में क्लिक करेंगे, आप डेट डालोगे कब से देखनी है आपको, एक तारीख से सेलेक्ट कर लिया,
31 तारीख तक का देखना है, 31 ओके कर देंगे, यहाँ पे आपकी पूरी जीएसटी रिपोर्ट जनरेट हो जाती है, प्रिंट में क्लिक करेंगे प्रिंट जनरेट हो जाएगा। मतलब कि कहा जाए आपको कहीं से कुछ भी चीज़ों की मिस्टेक नहीं होने वाली, एक साथ ही आपका सारा कुछ सिस्टम यहाँ पे आपका आ गया, आप बस देखिए और उसको फाइल कर दीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से रिपोर्ट नंबर 2 पे आते हैं, आपका GSTR 1 जो हर महीने आपको भरना पड़ता है, बहुत मुश्किल काम लगता है, बहुत सारे पैसे मांगते हैं लोग, मगर इसमें आपको पैसे की टेंशन नहीं है, इसमें बड़ी आसानी से आपका GSTR 1 बन जाएगा। इसमें बस सिंपल क्लिक करिए, आपने सिंपल क्लिक करते ही क्रिएट एक्सेल वर्क बुक में क्लिक करोगे, डेट डालोगे कब से निकालना है, ओके करोगे, आपका जो वर्क बुक है वो जनरेट हो जाएगा। आपको कहीं से भी बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से भी आप इसको GSTR 1 को निकाल सकते हो। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, ये आपकी एक सिंगल क्लिक में रिपोर्ट जनरेट होगी। चलिए थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि यहाँ पे देखिए B2B मतलब आपने जो GST नंबर वाली जो भी सेल की है वो कौन सी सेल है, उसका टैक्स कितना है, आपने B2C में जो सेल की है मतलब बिना GST वालों के जो सेल करोगे वो यहाँ पे आ जाएगी, डेबिट नोट क्रेडिट नोट आपने जो चढ़ाएंगे वो आ जाएंगे, HSN वाइज आपकी रिपोर्ट आ जाती है, आपके डॉक्यूमेंट्स कितने बिल बनाए हैं आपने अभी तक वो आ जाते हैं। तो आपको सिंपल इसको अपलोड कर देना है अपने पोर्टल पे, आपको कहीं से कुछ भी नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि JSON फाइल बने तो JSON फाइल का भी इसमें ऑप्शन है, सिंपल JSON फाइल में क्लिक करिए आपकी JSON फाइल बन जाएगी। तो कहने की बात यह है कि एक क्लिक में, सिंगल क्लिक में आपको सारी रिपोर्ट्स मिल रही हैं, पूरी बैलेंस शीट मिल रही है, एक बार में ही GST समरी मिल रही है, टोटल इनपुट कितना है, टोटल आउटपुट कितना है, किसका GST नंबर सही है किसका गलत है, कौन सी मिसमैच एंट्रियाँ हैं, बिल वाइज प्रॉफिट क्या है, डे बुक क्या है, आपका सारा कुछ। और डैशबोर्ड इतना अट्रैक्टिव है कि कोई भी बंदा सिंपल क्लिक करके देख सकता है कि भैया यहाँ से कितना बना मेरा, ये देखिए है ना, सिंपल इंटरेस्ट डेली प्रॉफिट, मतलब आपको दिन भर में अगर कॉस्टिंग डाल दिया आपने तो क्या प्रॉफिट बचा वो भी दिखा देता है ये। तो आपका जो बिजनेस है वो तो आपको उंगलियों पे हो गया, आपको किसी और चीज़ की टेंशन ही नहीं है, बैंकिंग आपकी मेंटेन हो गई, खर्चे आपको जो डालते हैं वो यहाँ पे जाना है, सिंपल पेमेंट में जाइए, कोई डेबिट क्रेडिट का चक्कर नहीं, कैश दे रहे हो यहाँ पे अकाउंट बना लो, मान लीजिए आपने अदर चार्ज में कोई कुछ ऑफिस के लिए मंगाया सामान अदर चार्ज में डाल दो, 500 रुपये का आपने क्या किया, आपने 4 कैलकुलेटर मंगाए तो यहाँ पे 4 पीस कैलकुलेटर लिख दो। तो ये जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं है ना, तो यहाँ पे इस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो आपकी जो दिन भर की डे बुक है कैश बुक है ऑटोमेटिक मेंटेन होती रहती है, आपको सिंगल क्लिक करके समझ में आ जाएगा टोटल कितना हमारा गया है, टोटल कितना आया है, बैंक से जो एंट्रियाँ होती हैं जैसे कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक एंट्री, ये भी ऑप्शन मिला है कि यहाँ पे आपने SBI बैंक से अगर मान लीजिए उससे विड्रॉल कर रहे हो डिपॉजिट कैश इनटू बैंक या कि विड्रॉल कैश फ्रॉम बैंक, तो उसकी एंट्री भी कर सकते हो कि हमने बैंक से अपने निकाला, मान लीजिए हमने 10,000 रुपये या 5,000 रुपये निकाल लिया, तो 5,000 यहाँ डाल दीजिए, इंटर कर दीजिए, इंटर कर दीजिए, सेव कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक आपके कैश में 5,000 बढ़ जाएगा और उसमें से ये घट जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं ना, क्या होता है कि आप अगर प्रॉपर तरीके से मेंटेन करोगे तो बिजनेस में आपको टेंशन नहीं होगी कि कहाँ पे मिस्टेक हो गई, किसी के भरोसे नहीं रहना है, लोग बंदे आते जाते रहेंगे, आपका सॉफ्टवेयर हमेशा आपके पास रहेगा, उसको आप चलाना सीख सकते हो, हमसे ट्रेनिंग ले सकते हो, हमसे सपोर्ट ले सकते हो। हमारे बहुत सारे व्यापारी हैं जो का फीडबैक हमारे यूट्यूब चैनल में पड़ा हुआ है, जो हमारे 8-8 साल 10-10 साल हमारा सॉफ्टवेयर चला के हमसे कहते हैं कि भैया आपने हमें बहुत अच्छा काम किया, हमें जो सॉफ्टवेयर दे दिया, और हमारे साथ वो हमेशा जुड़े रहने का भी वादा करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके लिए लेके आते हैं अच्छे अच्छे वीडियो, एजुकेशनल वीडियो, उनको बताते हैं टेक्नोलॉजी अपडेट्स और उनके बिजनेस में देते हैं हेल्प, तो इसलिए वो हमसे हमेशा जुड़ने के लिए वादा करते हैं। तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ और हमें सपोर्ट करिए, कमेंट करिए, अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर करिए, और कुछ भी आपको अपडेट्स चाहिए तो हमें ज़रूर बताइए, व्हाट्सअप करिए, ईमेल करिए, हर जगह हम अवेलेबल हैं, स्क्रीन पे हमारे नंबर दिए जा रहे हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपका दिन शुभ रहे, और इस सॉफ्टवेयर को आपको डेमो देखना हो तो ज़रूर कॉल करिए। धन्यवाद।